हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं इस समय में जो पेपर होने वाले हैं आपके गोरखपुर यूनिवर्सिटी और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होने वाले हैं। 27 जुलाई से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन कैसे कम समय में? अब एक चीज़ ये भी है कि कंपटीशन टफ है, एक चीज़ ये है कि केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, बीएससी थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में बीएससी फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर का एक ही पेपर बनने वाला है, ठीक है। इसमें काफ़ी जो दिक्कतें आपको आएंगी कि हाँ पूरे पैटर्न को जो है एक पेपर में कैसे जो है आप तैयारी करें, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए जो है पहले हम कुछ स्टार्टिंग में वीडियो देखेंगे, ये जो कि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उससे एक नंबर दो नंबर के पक्का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे जो है सबसे पहला चैप्टर हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेपर थर्ड चैप्टर फोर पॉलीमर्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले हम जो है ये जब भी हम वीडियो पढ़ेंगे तो पहला वीडियो जो हो आपके कॉन्सेप्ट पे होगा, दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे होगा, ठीक है। जो भी पैटर्न पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे 10 से 15 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है पॉलीमर, देखिए पॉलीमर होता क्या है। तो पॉलीमर जैसे किसी भी मोनोमर, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें एथिलीन, ठीक है। एथिलीन है तो एथिलीन ये मोनोमर है, एथिलीन जो है ये मोनोमर है, और एथिलीन के ढेर सारे यूनिट जो है अगर मिला दिए जाएं तो ये फॉर्मेशन करते हैं किसके, पॉली एथिलीन के। तो ये एग्जांपल हो गया पॉलीमर को इजीली वे में समझने के लिए कि एथिलीन से क्या बना, पॉली एथिलीन बना, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में जो है पॉली एथिलीन के अलावा जो है आपका टेफ्लॉन है, ठीक है, टेरिलीन है, डेक्रॉन है, बाकी भी और पॉलीमर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉलीमर को समझेंगे कि पॉलीमर होता क्या है। तो पॉलीमर जो है मोनोमर का जो है कॉम्बिनेशन है, ढेर सारे मोनोमर जो मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है। ढेर सारे मोनोमर जो है, मोनोमर मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे, ठीक है। जैसे हमने बताया कि एथिलीन से पॉलीथीन बनता है, ठीक है। अब पॉलीमर जो है इनको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, ठीक है, और दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ इलिमिनेशन ऑफ सम स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे पॉलीमर को, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, ऑन द बेसिस ऑफ इलिमिनेशन ऑफ सम स्मॉल मॉलिक्यूल। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर को हम भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, जैसे एक जाने की पॉलीमर, मान लीजिए एक मोनोमर से पॉलीमर बनना है तो ढेर सारे मोनोमर जो है मिक्स होकर पॉलीमर बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मोनोमर का हो सकता है कि एक ही टाइप का मोनोमर हो सकता है, दो टाइप का मोनोमर, जैसे अगर एक मोनोमर जो है ए है, ठीक है, तो दूसरा मोनोमर भी ए है, तीसरा भी क्या है ए है, चौथा भी क्या है ए है, यानी ढेर सारे मोनोमर जो है केवल एक ही टाइप के मोनोमर है। इस मोनोमर को हम कौन सा पॉलीमर बोल देंगे, यहाँ पे इसको बोलेंगे होमो पॉलीमर, ठीक है। और दूसरा जो है हो सकता है कि एक मोनोमर जो आपका ए है, दूसरा जो है क्या है बी है, फिर ए है, फिर बी है, ठीक है, फिर ए है, इस टाइप के पॉलीमर को हम क्या बोल देंगे, को पॉलीमर बोल देंगे, ठीक है। इधर आते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, होमो पॉलीमर और को पॉलीमर, होमो पॉलीमर में क्या है कि केवल एक टाइप के मोनोमर कंबाइंड हुए हैं, लेकिन को पॉलीमर में क्या है कि दो टाइप के मॉलिक्यूल कंबाइंड हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए ए ए बी बी जुड़ रहा है, ए बी जुड़ रहा है, तो यहाँ पे कोई स्मॉल मॉलिक्यूल इलिमिनेट नहीं कर रहा, जैसे कि दो मॉलिक्यूल जब भी जुड़ते हैं हम एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, CH2OH COOH OH R समथिंग कुछ भी हम ले लिए, तो यहाँ से जब भी दो चीज़ें जुड़ रही हैं तो H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे अगर कुछ भी एलिमिनेट कर रहा है, हो सकता है अमोनिया एलिमिनेट करे, हो सकता है H2O वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते, उसके बेसिस पे ये भी दो टाइप के होंगे, एक होगा एडिशन पॉलीमर, एक होगा कंडेंसेशन पॉलीमर,
ठीक है, जब भी होमो जब भी मोनोमर ज्वाइंट हो और कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल इलिमिनेट ना करे, कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल ना निकले, तो उस केस में हम बोलेंगे एडिशन पॉलीमर। और जब भी अगर हमारा जो मोनोमर होगा कंबाइंड होगा और वाटर मॉलिक्यूल या तो अमोनिया मॉलिक्यूल या तो अल्कोहल अगर क्या करेगा यहाँ से इलिमिनेट कर रहा होगा, तो ऐसे में हम बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। यानी से पॉलीमर जो है हमारे दो टाइप के हुए, एक तो होमोपॉलीमर हो गया, को पॉलीमर हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ मोनोमर, ठीक है, और इलिमिनेशन पे हम दो पार्ट में बांट दिए, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, आगे हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर एडिशन पॉलीमर। ठीक है, हमने पढ़ा कि होमो हो सकता है या तो को पॉलीमर हो सकता है, एडिशन हो सकता है या तो कंडेंसेशन पॉलीमर हो सकता है। तो हम होमो और एडिशन का जो है कॉम्बिनेशन देखेंगे। देखिए सबसे पहला एग्जांपल जो है ये पॉलीथीन का है। देखिए यहाँ पे पॉलीमर स्ट्रक्चर है पॉलीथीन, ठीक है। तो पॉलीथीन बनता कैसे है, एथिलीन यानी मोनोमर क्या है, यहाँ पे मोनोमर क्या है, एथिलीन है। एथिलीन आप जानते हैं कि सी डबल बॉन्ड सी जो है सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू एथिलीन होता है, ठीक है। इसी का पॉली यानी कि ढेर सारे एथिलीन मिलकर क्या बनाएंगे, पॉली एथिलीन बना लेंगे और इसका पॉलीमराइजेशन स्ट्रक्चर ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड सी एस टू 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 सिंगल बॉन्ड सी एस टू, इसको हमको हमने एंसर डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो टाइप ऑफ पॉलीमर होमो है कि को है, तो यहाँ पे होमो पॉलीमर है। एडिशन है कि कंडेंसेशन है, तो एडिशन पॉलीमर है, ठीक है। यानी अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि पॉलीथीन जो है एडिशन है कि को पॉलीमर एडिशन है कि कंडेंसेशन है, तो आप जो है एडिशन पे टिक करेंगे। अगर जो है आपसे पूछा जाए कि एडिशन है तो एडिशन है कि कंडेंसेशन है, तो एडिशन पे टिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे चार जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एथिलीन हो गया, दूसरा है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड देखिए सी एस टू डबल बॉन्ड सी एच जो है पॉजिटिव होता था तो विनाइल कैटायन बोलते थे, विनाइल बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे सी एस टू सी एच सी एल लग गया, ठीक है। तो ये हो गया विनाइल क्लोराइड। अब इसी का पॉलीमर स्ट्रक्चर यानी ढेर सारे विनाइल क्लोराइड जुड़ते जाएंगे, कोई स्मॉल मॉलिक्यूल इलिमिनेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसे बोल देंगे पी वी सी पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका हम जो है पाइप बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पाइप। सी एस टू सिंगल बॉन्ड सी एस टू सी एल हो गया। अब ये कौन सा पॉलीमर, होमो है कि को है, तो होमो है, ठीक है। एडिशन की कंडेंसेशन, एडिशन पॉलीमर, ठीक है। तीसरा एग्जांपल है एक्रोनाइट्राइल। एक्रोनाइट्राइल का फॉर्म सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस सी एल है, इसको जब पॉलीमर बनाएंगे तो पॉली एक्रोनाइट्राइल हो जाएगा। इसी को ध्यान दीजिए हम ओलॉन बोलते हैं, ठीक है, ओलॉन बोलते हैं। दो इंपॉर्टेंट है, एक तो ओलॉन है एक तो डेक्रॉन है, ठीक है। डेक्रॉन अभी आगे आप पढ़ेंगे, टेरिलीन को बोलेंगे और ओलॉन जो है एक्रोनाइट्राइल को बोलेंगे, ठीक है। इसका पॉलीमर स्ट्रक्चर हो गया सी एस टू सी एस CH, CL और होमो है एडिशन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट एग्जांपल है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन देखिए सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू था तो एथिलीन था, ठीक है। यच को हमने क्या किया, सब्सटीट्यूट किया है किससे, फ्लोरीन मॉलिक्यूल से। चारों हाइड्रोजन को चार फ्लोरीन से हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, हो गया टेट्राफ्लोरोएथिलीन हो गया। अब देखिए इसका पॉलीमर जो बनेगा पॉली टेट्राफ्लोरो हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा, ठीक है। इसी का एक कॉमन नेम होता है, क्या बोलते हैं इसको, टेफ्लॉन, ठीक है। देखिए टेफ्लॉन से हर कंपटीशन में एग्जाम एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है। आपके आपका जो सिलेबस है उसमें जो है ये टेफ्लॉन ही दिया हुआ है, ठीक है। टेफ्लॉन से क्वेश्चन आ सकता है आपके, ठीक है। तो ये इसका पॉलीमर स्ट्रक्चर हो जाएगा सी एफ टू सिंगल बॉन्ड सी एफ टू और इसको टू लिखा हुआ है, इसको यन कर दीजिए, ढेर सारे हैं, ठीक है। और होमो और एडिशन पॉलीमर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिफ्थ एग्जाम्पल, मोनोमर में है टू मेथाइल ब्यूट वन थ्री डाइन, ठीक है। जिसे हम जिसका पॉलीमर बनता है आइसोप्रीन बनता है, या जो इसको हम बोल सकते हैं नेचुरल रबर बोल सकते हैं, ठीक है। इसका देखिए अल्फा टू वन टू थ्री फोर टू पोजिशन पे मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या बोलती है टू मेथाइल और वन टू थ्री फोर, ठीक है, ब्यूट हो गया और वन और टू पे क्या है डाइन है यानी डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसका नाम हो गया टू मिथाइल ब्यूट वन थ्री डाइन हो गया, ठीक है। और इसको आइसोप्रीन बोलते हैं, यानी इसके पॉलीमर को इस क्या बोलते हैं आइसोप्रीन, ठीक है। ये होमो है और एडिशन पॉलीमर है, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जांपल आइसोप्रीन से कई बार क्वेश्चन जो है बहुत से कंपटीशन में पूछे गए हैं। आइसोप्रीन यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचुरल रबर को जो है किस नाम से जानते हैं, तो आइसोप्रीन से जानते हैं, ठीक है। और सिंथेटिक रबर, नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर में जो है कई सारे सिंथेटिक रबर है, ब्यूना यस है, ठीक है, नियोप्रीन है, नियोप्रीन हो गया, ठीक है, ब्यूना यन हो गया, ठीक है, ढेर सारे हैं। तो इसमें जो है नियोप्रीन बोलते हैं सिंथेटिक रबर को, जिसका जो है क्या बोलेंगे, टू क्लोरो ब्यूट 1,3-dien, ठीक है, ये होमो है और एडिशन है। हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे एग्जांपल आप होमो और एडिशन के बारे में बात कर रहे थे, हम आगे बात करेंगे एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर और कंडेंसेशन, इसमें जो है हम तीन एग्जांपल पढ़ेंगे, टेरिलीन का, नायलॉन 6s का और नायलॉन 6s का, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेरिलीन, इसका जो है पॉलीमर को और भी नाम से जानते हैं, इसको हम डेक्रॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओरलान हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, एक्रोनाइट्राइल के पॉलीमर को हम लोग ओरलान बोलते हैं और टेरिलीन को हम लोग डेक्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके नाम में ही जो है इसके मॉलिक्यूलर कंपाउंड छुपे हुए हैं, जैसे हम टेरिलीन से बोल दिए टेरिपथैलिक एसिड, ठीक है। अगर आप ऐसे तैयार करें, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि टेरिलीन से टेरिपथैलिक एसिड और लीन से, देखिए लीन से क्या हो गया, एथिलीन ग्लाइकॉल हो गया, ठीक है। ऐसे हम याद कर सकते हैं कि टेरिपथैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल, और हम इसे कहाँ पढ़ रहे हैं, कोपॉलीमर। देखिए एक टेरिपथैलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है कि बेंजीन रिंग और दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और इस पे देखिए ये कोपॉलीमर हो गया, जैसे एक टेरिपथैलिक एसिड हो गया और एक एथिलीन ग्लाइकॉल हो गया, एथिलीन ग्लाइकॉल जो है OH CH2 CH2 OH, ये हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल। देखिए यहाँ पे दो यूनिट कंबाइंड हो रहे हैं, यानी एक मोनोमर क्या है टेरिपथैलिक एसिड है, दूसरा मोनोमर क्या है एथिलीन ग्लाइकॉल है, ये कंबाइंड होंगे, और कंबाइंड होंगे तो देखिए यहां से H2O मॉलिक्यूल क्या करेगा, इलिमिनेट करेगा, ठीक है, माइनस H2O, यहां से H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा और अगर आप इसे ध्यान से देखें ऐसे जुड़ता जाएगा, ठीक है, यहाँ से फिर से टेरिपथैलिक एसिड, फिर से OH CH2 CH2 एथिलीन ग्लाइकॉल जुड़ता जाएगा, तो पूरा हम नहीं बना रहे यहाँ पे, ठीक है, 6-6, ठीक है। देखिए यहाँ पे नायलॉन, इस जैसे ये नायलॉन 6-6 पॉलीमर है, तो जो 6 है यहाँ से हम देख सकते हैं कि 6 कार्बन का जो है डायमीन ले सकते हैं, ठीक है, 6 कार्बन का क्या है डायमीन ले लिए, ठीक है, और इसे कंबाइंड कर दिए किससे, 6 कार्बन के डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से, यानी कि यहाँ पे हो गया OH CH2 O4 CO OH, यहाँ से कंबाइंड करेंगे वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इलिमिनेट करेगा। देखिए यहाँ पे कैसे कोपॉलीमर है, एक तो जो है डाई अमीन ले रहे हैं हम 6 कार्बन का, और जो है 6 कार्बन का हम क्या ले रहे हैं, 6-6 है ना, 6 कार्बन का क्या ले रहे हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, तो यहाँ पे कंडेंसेशन क्यों हो गया, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इलिमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ढेर सारे मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे हम CH2 6N, देखिए यहाँ पे H2O निकालिए, एक हाइड्रोजन अगर हम ऐसे बना दें, एक हाइड्रोजन ऐसे बनाते हैं, H2O मॉलिक्यूल क्या करेगा, इलिमिनेट करेगा, यहाँ से बनेगा NHCO CH2 4 CO, ठीक है, यहाँ पे H2O निकलेगा, दूसरा N मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे CON का फॉर्मेशन हो रहा था, और टेरिलीन में जो है COOO का फॉर्मेशन हो रहा था, COOCH2, तो टेरिलीन में क्या था कि यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा था, तो हम बोल सकते थे कि जो एस्टर का फॉर्मेशन कर रहा है तो पॉलीस्टर बन रहा है, ठीक है, यानी टेरिलीन को हम पॉलीस्टर बोलेंगे, ठीक है, और नायलॉन 6-6 नायलॉन जो होगा उसको हम अमाइड बोलेंगे, तो यहाँ बोल सकते हैं पॉलीअमाइड का क्या है एग्जाम्पल है। उसी तरह नायलॉन 6-10 का एग्जाम्पल लेंगे, तो यहाँ पे देखिए नायलॉन 6-10 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 जो है इंडिकेट करेगा कि 10 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है, और ऐसे जुड़ेगा पॉलीमाइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है नायलॉन 6, देखिए नायलॉन 6 का जो है स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है, और ये इसका जो पॉलीमर बनता है इस फॉर्म में बनता है, ठीक है, और ये इसको कैप्रोलैक्टम भी बोलते हैं,
और ये पॉलीएमाइड है, ठीक है, पॉलीएमाइड है, और ये हमारा होमोपॉलीमर है, साथ में एडिशन पॉलीमर है। थैंक यू।